शो की शुरुआत एक बैंक्वेट हॉल को दिखाए जाने से होती है। यहाँ पर मिस्टर और मिसेस युआन सभी का वेलकम कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर इनकी छोटी बेटी लिन भागते हुए आती है और बताती है जी शादी से भाग गई। इसके बाद हम हमारी फीमेल लीड जी को देखते हैं, जो कि वेडिंग ड्रेस में होती है, जो कि यहाँ से भाग रही थी। ये बंदी रोड पर होती है और अपने एक फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करती है, जो कि इसको बताता है मेरी कार रोड के साइड में खड़ी है। जी को भागते हुए लिन देख लेती है और वो ड्राइवर से उसको हिट करने को कहती है। और यहाँ पर हमको हमारा मेन लीड सुवान दिखाया जाता है, जिसका असिस्टेंट उसको बोलता है शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या आप वाकई में यहाँ से भागना चाहते हैं। एंड वो उसको लड़की का बायोडेटा देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी सी हीरोइन जी होती है। तभी जी आकर सुवान की कार में बैठ जाती है, जिसको देखकर सुवान और असिस्टेंट दोनों ही चौंक जाते हैं। हालांकि जी भी इनको नहीं पहचान पाती। जी का फ्रेंड, जो कि अभी भी उसके साथ कॉल पर था, वो कहता है तुम कहाँ पर हो, अभी तक कार के अंदर क्यों नहीं आई। जिस पर उसको रियलाइज हो जाता है कि वो तो गलत कार में आ गई। जी कार से उतरकर जाने लगती है, लेकिन फिर अचानक से रुककर सुवान से कहती है आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। जिस पर सुवान तो एकदम ही घबरा जाता है, बिकॉज जी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। पर मैनेजर जल्दी से जी के हाथ पर एक स्प्रे कर देता है। वो कहती है ये सब क्या है। पर मैनेजर कहता है मेरे बॉस को लड़कियों से एलर्जी है। जिस पर जी का रिएक्शन वॉज लाइक क्या बकवास, झूठ बोल रहे हो, और वो जाने लगती है। अभी मैनेजर कहता है अगर यकीन नहीं होता तो उनके हाथ पर देख लो। एंड वो सुवान के हाथ की तरफ देखता है और कहता है क्या आपके हाथ पर दाने नहीं हुए। जिस पर सुवान भी अपने मन में सोचता है इस लड़की के टच से मुझे एलर्जी क्यों नहीं हुई। एंड वो ड्राइवर से कार ड्राइव करने को कहता है। थोड़ी आगे आने पर सुवान उसको अपनी कार से उतार देता है। मैनेजर उसको कहता है सर आपकी बीमारी ठीक हो गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस पर वो कहता है तो आज रात मेरे लिए अरेंज करो, मैं चेक करना चाहता हूँ। और हम नाइट क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुवान के सामने कई सारी लड़कियाँ खड़ी थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो चेक कर सके कि वाकई में उसकी एलर्जी ठीक हो गई है। यहाँ पर एक लड़की उसके पास आती है और जैसे ही उसको टच करती है तो उसके हाथ पर दाने होने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो उन सभी लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम इसी क्लब में हमारी प्यारी सी हीरोइन जी को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड लू के साथ होती है। लू यहाँ पर जी से कहती है आगे तुमने क्या सोचा है। जिस पर जी कहती है टाइम आने पर मैं उन लोगों से अपनी सारी चीजें छीन लूंगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है जो कि जी के पेरेंट्स है वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, उसके पेरेंट्स की बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी है। के बाद लू कहती है इस बार तो तुम शादी से बच गई, अगली बार तुम क्या करोगी। जिस पर वो कहती है मेरे लिए एक लड़के का इंतजाम करो। जिस पर लू कहती है बकवास बंद करो और जाकर रूम में रेस्ट करो, मैंने रूम बुक कर दिया है। इसके बाद हम जी को लॉबी में देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा नशे में थी और वो लड़खड़ा कर चल रही थी। बंदी को रूम नंबर 302 में जाना था, पर ये 320 में चली जाती है, जहां पर हमारा हीरो सुवान पहले से ही मौजूद था। जैसे ही ये सुवान को देखती है तो खुश हो जाती है और उसको कहती है आज से मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ, बिकॉज इस बेचारी को लग रहा था कि इसकी दोस्त ने उसको अरेंज किया है। सुवान यहाँ पर जी को पहचान गया था, इसीलिए वो कहता है तुम मेरी स्पॉन्सर हो या फिर मैं। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी की आंखें खुलती है तो उसके पास सुवान होता है। वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है और अपनी दोस्त से कॉल पर बात करते हुए कहती है तुमने मेरे लिए जो लड़का अरेंज किया है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। दूसरी तरफ से लू कहती है क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो किसी लड़के को अरेंज ही नहीं किया, तुम इस वक्त कहाँ पर हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी गलत रूम में चली गई हो। जिस पर जी को रियलाइज होता है कि वो वाकई में गलत रूम में आ गई, और फिर वो हमारे हीरो की तरफ देखती है और सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, इस गलती को तो मैं गलती नहीं मानने वाली। और वो खुश होकर वहाँ से जाने लगती है कि पीछे से सुवान कहता है शुगर मदर आप कहाँ पर जा रही हैं, जाने से पहले मेरे हाथ खोल दीजिए, बिकॉज इस बंदी ने उसको बांध कर रखा हुआ था। जिस पर वो वापस आकर उसके हाथ खोलती है और पिछली रात के लिए माफी मांगती है। जी ने यहाँ पर सुवान की ही शर्ट पहनी हुई थी, जिसको वो उतरवा लेता है। जी उससे पूछती है कि तुम्हारे चार्जेस क्या हैं। इस पर वो कहता है मेरा कोई चार्ज नहीं है। एंड वो उसके क्लोज आकर कहता है तुम मुझसे शादी कर लो,
जिस पर वो अपने मन में सोचती है, ये उस बेवकूफ फू परिवार में शादी करने से तो बेहतर होगा। कम से कम इसको देखकर आंखों को सुकून तो मिलता है कि ये इतना ज्यादा हैंडसम जो है। जिस पर वो सुवान से कहती है, ठीक है तो हम पहले प्रीनप करेंगे। इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं। सुवान उससे कहता है, मेरे लिए एक प्रीनप अरेंज करो क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर वो शॉक होता है और कहता है, आप किसके साथ शादी कर रहे हैं? और तभी उसके पीछे से जी निकल कर आती है, जिस पर मैनेजर कहता है, तुम तो वही कल वाली भागी हुई दुल्हन हो ना। जिस पर वो उसकी तरफ स्माइल करती है। इसके बाद हम इनको कार में देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर कहता है, मैंने आपका प्रीनप अरेंज कर दिया, एंड वो डॉक्यूमेंट्स देता है। मैनेजर उनसे कहता है, आप दोनों की वेडिंग सिर्फ 3 महीने तक ही वैलिड है, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस पर जी सुवान से कहती है, ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बोल देती हूँ, मेरे प्यार में मत पड़ जाना। और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिस पर वो भी हैंडशेक करते हुए सेम बात बोलता है। जो कहता है, आपको अपना 3 मंथ्स का मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी इन दोनों के सामने जी की मॉम आ जाती है, एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो आते ही उसके ऊपर बेल्ट से मारने वाली थी, पर तभी उस बेल्ट को हमारा हीरो पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की। यहाँ पर जी भी उससे कहती है, अब मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे परेशान करना बंद करो। जिस पर लिन कहती है, शायद आप नहीं जानते, मेरी बहन एक डिजास्टर है, वो हर एक चीज को बर्बाद कर देती है, आप भी जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर वो कहता है, ठीक है, एंड उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। के बाद हम सुवान के दादाजी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, बिकॉज सुवान शादी छोड़कर चला गया था। यहाँ पर सुवान का छोटा भाई सुयुन भी होता है, और वो अपने दादाजी को और भी ज्यादा भड़का रहा था। वो कहता है, कितना ज्यादा मुश्किल होता है किसी अपाहिज की शादी करवाना, फिर भी उसने ऐसा किया। और तभी यहाँ पर सुवान व्हील चेयर पर आता है। यहाँ पर सुवान के दादाजी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हैं, पर वो उनसे कहता है, मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। ये सुनकर तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है, एंड वो उसको डाइवोर्स लेने को कहते हैं, लेकिन वो डाइवोर्स लेने से साफ इनकार कर देता है। जिस पर वो कहते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। जिस पर सुयुन भी सुवान से कहता है, तुम एक डिसेबल पर्सन हो, कम से कम तुम्हें हमारी बात तो माननी चाहिए। अगर दादाजी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो तुम क्या कर पाओगे। लेकिन ये बंदा यहाँ पर इनकी सारी बातों को इग्नोर करके जाने लगता है। जिस पर उसका भाई कहता है, आज रात दादाजी ने तुम्हारे और मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट पार्टी रखी है, उसमें सभी बड़े परिवारों की बेटियाँ आएंगी, लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोंगशन ग्रुप की प्रेसिडेंट को ही ढूंढूंगा, बिकॉज दादाजी चाहते हैं कि मैं उसके साथ शादी कर लूं। तो आज रात उस पार्टी में तुम भी आ जाना। जिसके बाद सुवान वहाँ से चला जाता है। सु परिवार के घर में हम जी और उसकी माँ को देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसे जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आई थी, और वो उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि आज उसे सु परिवार के बड़े बेटे से माफी मांगनी होगी। लेकिन वो उनसे अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है, और अचानक से सुवान की कार के सामने आ जाती है। वो जल्दी से आकर कार में बैठ जाती है। सुवान कहता है, तुम सु परिवार के घर से बाहर क्यों आ रही हो। जिस पर वो कहती है, दरअसल मैं यहाँ पर मेड हूँ। इसके बाद सुवान उसे घर की चाबियाँ देकर कहता है, आज रात को मैं एक पार्टी अटेंड करने वाला हूँ तो तुम घर पर चली जाना। जिस पर वो कहती है, इत्तेफाक से मैं भी पार्टी अटेंड करने वाली हूँ। और इसके बाद हम रात को पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारे हीरो ने मास्क लगाया था, साथ ही हमारी हीरोइन भी मास्क लगा लेती है ताकि उसको कोई पहचान न सके, बिकॉज वो अपने डोंग ग्रुप को बड़े ही खुफिया तरीके से चला रही थी। कोई भी नहीं जानता था कि वही डोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। यहाँ पर लू भी आ जाती है, और वो कहती है, तुमने मास्क क्यों लगाया है। इस पर वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे यहाँ पर पहचान जाए, वैसे भी मैं इस पार्टी में वन ग्रुप की डॉटर बनकर नहीं बल्कि डोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट बनकर आई हूँ। ये दोनों सहेलियाँ बातें कर रही थी कि तभी यहाँ पर लिन आ जाती है, और वो हमारी हीरोइन से टकरा जाती है, जिस वजह से जी का मास्क नीचे गिर जाता है, साथ ही उसका ब्लैक कार्ड भी। जी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, लू भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी उस कार्ड पर लिन की नजर पड़ती है, एंड वो उसको उठा लेती है।
इसके बाद हम जी को वॉशरूम में देखते हैं। तभी उसको बगल वाले वॉशरूम में से आवाज आती है और वो एक ब्रश उठाकर उस वॉशरूम में जाती है जहाँ पर एक लड़की हमारे हीरो को परेशान कर रही थी, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा नशे में थी। जी उस लड़की को सुवान से दूर करती है एंड वो सुवान से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर सुवान कहता है टॉयलेट साफ करने पर ध्यान दो एंड वहाँ से चला जाता है। ये बेचारी सोचती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ में तो ब्रश है। इसके बाद यहाँ पर पार्टी स्टार्ट होती है। एंकर स्टेज पर खड़ी होकर सभी परिवारों की लड़कियों के बारे में बताना शुरू करती है और वो सबसे पहले लू को स्टेज पर बुलाती है। उसके बारे में बताने लगती है कि वो कौन से परिवार से है, उसकी कितनी उम्र है और क्या क्या चीजें उसे पसंद है और उसने कौन सी पढ़ाइयाँ की है। उसके बाद वो स्टेज पर दोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट को आने को कहती है, क्योंकि हमारी हीरोइन उस समय पर वहाँ पर मौजूद नहीं थी। स्टेज पर कोई भी नहीं जाता, वो एंकर एक बार फिर से अनाउंस करती है। लिन के हाथ में जी का कार्ड होता है जिसको सुयुन देख लेता है और वो समझ लेता है कि वही दोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है और वो जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है। लिन भी उसके साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए उसको ये मौका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो उससे झूठ बोल देखती है कि वही दोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। बस फिर गया था ये बंदा तो पूरी तरीके से उसका चमचा बन जाता है और उसके आगे पीछे घूम रहा था बिकॉज इसको उसके साथ शादी करनी थी। जब पार्टी के अंदर आती है तो लू उसको बताती है तुम्हारी बहन तुम्हारे कार्ड का यूज कर रही है। वो उसको पीटने जाने वाली थी पर जी उसको रोक लेती है एंड उसके कान में उसको एक आइडिया देती है। जिसके बाद लू दो लड़कियों के पास खड़ी होकर बातें कर रही थी कि दोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट का बर्थडे जल्द ही आने वाला है। दूसरी लड़की पूछती है बर्थडे कब है, जिस पर वो डेट बता देती है। उनकी ये सारी बातें लिन भी सुन लेती है और वो सोचती है कहीं उसका डेट ऑफ बर्थ ही तो इस कार्ड का पासवर्ड नहीं है। उसके बाद वो सुयुन के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे दे देती है एंड वो खड़े होकर उसके साथ बातें कर रही थी और कहती है आज रात में तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। पर तभी यहाँ पर जी आती है और कहती है क्या तुम वाकई में दोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। इस पर वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर शक करने की। जिस पर जी कहती है मैं शक नहीं कर रही, दरअसल मैंने सुना है दोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट तीरंदाजी में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो अगर आप हमें एक नमूना दिखा दे तो बेहतर होगा। इस पर वो अपने मन में सोचती है अगर मैंने ये कर दिया तो कोई भी मुझ पर शक नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम इन दोनों के हाथ में ही धनुष बाण देखते हैं, लेकिन ये सामने निशाना लगाने के बजाय एक दूसरे पर ही निशाना साधने लगती हैं। लिन जी के ऊपर तीर चला देती है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। सुवान ये देख लेता है, लिन जी के पास जाती है और कहती है मैं सुयुन के साथ शादी करना चाहती हूँ तो ये सब फालतू की चीजें मत करो। पर वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की कहती है ये तो एक टॉयलेट क्लीनर है, बिकॉज ये वही लड़की होती है जो कि वॉशरूम में सुवान को परेशान कर रही थी। अभी यहाँ पर सुयुन भी आ जाता है और कहता है तो तुम एक नौकरानी हो, चलो जाकर हमारे लिए चाय बना कर आओ। जिस पर वो कहती है अभी तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। और इसके बाद हम इस बेचारी को चाय बनाते हुए देखते हैं। चाय बनाने के बाद ये उनकी चाय में अपने हिल को डुबो देती है। अभी यहाँ पर सुवान आता है, उसको देखकर वो डर जाती है एंड गिरने वाली होती है, लेकिन सुवान उसको संभाल लेता है। लेकिन ये उसको पहचान नहीं पाती क्योंकि वो मास्क में था, ऊपर से व्हीलचेयर पे था। वो जल्दी से खड़ी हो आती है बिकॉज इसके लिए तो वो फू परिवार का बेटा ही था जिसके साथ उसने अपनी शादी तोड़ी है। जी यहाँ पर उसको गुस्से में डिसेबल पर्सन बोलती है, वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। जिस पर वो कहती है मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ तो मुझे परेशान करना बंद करो। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि अनाउंस करती है आज की पार्टी का खर्चा मैं उठाऊंगी और वो कार्ड स्वाइप करने को देती है, लेकिन उस कार्ड के अंदर तो बैलेंस ही नहीं होता। सुवान जी को अपने घर लेकर आता है, उसका घर देखकर तो वो अपने मन में सोचती है आजकल मेल स्कॉर्ट्स बहुत ही ज्यादा रिच हो गए हैं, ये घर तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। तभी वो पीछे से कहता है ये घर किराए का है। इसके बाद हम जी को लू के साथ एक क्लब में देखते हैं एंड ये बंदी यहाँ पर भी मास्क लगा कर बैठी थी। सेम इसी क्लब में सुवान भी अपने एक दोस्त के साथ होता है। लू और सुवान का दोस्त दोनों ही उनका मास्क ले लेते हैं और खुद पर लगा लेते हैं एंड ये दोनों भी एक दूसरे को देख लेते हैं, जिस पर जी लू से कहती है ये मास्क हटाना मत, मेरा हस्बैंड आ रहा है। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर जी उससे कहती है क्या वाकई में तुम्हारा दोस्त आज यहाँ का सारा पेमेंट करने वाला है। इस पर वो सामने से कहता है दरअसल मैं उसे नहीं जानता, हम बस ऐसे ही बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। एंड वो सामने से कहता है मैंने अभी तुम्हें देखा, तुम दोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट के साथ ड्रिंक कर रही थी। इस पर वो भी कहती है मैं उन्हें सामने से नहीं जानती।
हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक वाइन में कुछ मिला रही थी और वो उस वाइन को सुवान के लिए लेकर आती है, जिस पर वो कहता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ, जिस पर वो कहती है मैं सिर्फ ड्रिंक देने के लिए आई हूँ। इस पर जी उसके हाथ से वाइन लेकर पी जाती है एंड वो लड़की अपनी बकवास से एक्टिंग करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं। यहाँ पर जी बहुत ही ज्यादा नशे में होती है, इसीलिए वो सुवान को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, लेकिन जैसे तैसे सुवान उसको घर पर ले आता है और नशे की हालत में उसे बेड पर फेंक कर दूसरे रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद जी जल्दी से उठती है और वो दबे पांव सुवान के पास जाकर लेट जाती है, लेकिन सुवान यहाँ पर सोया हुआ नहीं था, वो जागा हुआ था। ये देखकर तो जी शॉक हो जाती है। अगले दिन हम जी को डोंग ग्रुप में देखते हैं, जहाँ पर उसका बर्थडे था तो उसके लिए काफी सारे तोहफे आए थे। यहाँ पर सुवान भी अपने मैनेजर के साथ आता है। दोनों जैसे ही आते हैं सुवान और मैनेजर जी को देख लेते हैं, वो भी उनको देख लेती है और जल्दी से अपने लोगों को वहाँ से जाने को कहती है। एक लड़की उसको झाड़ू और बाल्टी भी दे देती है। सुवान पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, चलो अब जल्दी हटो मुझे टॉयलेट भी साफ करना है, और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वॉशरूम के अंदर होती है तो यहाँ पर उसको लिन मिलती है जो कि अपनी दोस्तों के साथ थी एंड वो यहाँ पर डोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट होने का नाटक कर रही थी। पर जैसे ही वो यहाँ पर जी को देखती है तो चिढ़ जाती है। यहाँ पर इन दोनों की बहस हो जाती है, जिस पर लिन कहती है मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम सिर्फ एक क्लीनर हो। इस पर जी कहती है अगर तुम मेरी बॉस हो तो मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, जिस पर सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद लिन उसके थोड़ा सा पास आती है और कहती है क्या तुमको पता है तुम्हारे डैड और दादाजी की मौत कैसे हुई थी, उनको मैंने ही मारा था। ये सुनकर तो जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारने वाली थी कि उसकी दोस्त उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद वो जी के सर में एक डंडा मारती है जिससे वो गिर जाती है। इसके बाद ये लोग चेक करती है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। इसके बाद ये तीनों मिलकर उसकी बॉडी को कार में डालती है। सुवान इन तीनों को दूर से देख लेता है, इसीलिए वो अपनी कार से इनका पीछा करता है। लिन एक बिल्डिंग के अंदर जाती है और वहाँ पर जी को छोड़कर आ जाती है। सुवान जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको उठाता है। इसके बाद हम जी को घर पे देखते हैं, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है। जब जी को होश आता है तो सुवान उसे कहता है हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन बड़ी ही प्यारी लग रही थी। सुवान कहता है तुमने जो नेकलेस पहना है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, पर वो घबरा जाती है और कहती है ये दरअसल फर्स्ट कॉपी है। इसके बाद हम उसी बर्थडे पार्टी में लिन को देखते हैं, जो कि अपनी दोनों दोस्तों को 10 मिलियंस देती है। पर तभी यहाँ पर जी आ जाती है, उसको देखकर तो ये तीनों ही घबरा जाती हैं। लिन जी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसकी दोनों चमचियाँ भी जी से फालतू बकवास करने लगती है, जिस पर जी कहती है ये मेरी पार्टी है, यहाँ पर मेरा होना तो जरूरी है। जिस पर वो दोनों कहती है बकवास करना बंद करो, आज लिन का बर्थडे है और ये डोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट की बर्थडे पार्टी है एंड वो दोनों उसको पकड़ लेती है। लिन उसके ऊपर वाइन गिरा देती है, पर तभी उनमें से एक लड़की जी के गले में नेकलेस देखती है और उसे उतार कर कहती है ये तो आज ही मेरे डैड ने डोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया है, ये तुम्हारे पास कैसे। जिस पर दूसरी लड़की कहती है कहीं ऐसा न हो कि यही डोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। इसके बाद वो दोनों ही लिन से कहती है ये सब क्या बकवास है, अगर तुमने हमसे झूठ बोला है तो ये सरासर धोखेबाजी है। दूसरी लड़की कहती है तुम हमारा पैसा यूज कर रही हो, हमारी चीजें खा रही हो और हमारा ही सामान इस्तेमाल कर रही हो, कहीं वाकई में तुम झूठी तो नहीं हो। जिस पर वो गुस्से में कहती है मैंने तुम दोनों को अभी अभी चेक दिया है ना, एंड वो उस नेकलेस को अपने हाथ में लेकर कहती है ये नेकलेस नकली है और उसको जमीन पर फेंक देती है जिससे वो टूट जाता है। तभी यहाँ पर एक गार्ड आता है और आकर जी से कहता है मैडम सभी गेस्ट आ गए हैं। फिर क्या था, लिन की सच्चाई सामने आ चुकी थी। के बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुवान अपने मैनेजर के साथ होता है और तभी यहाँ पर सुयुन आता है और वो अपने भाई का मजाक उड़ाने लगता है कि वो अपनी कटी हुई टांगों के साथ यहाँ पर आया है और वो उसको एक वॉच दिखाते हुए कहता है ये मुझे डोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट ने गिफ्ट की है। जिस पर मैनेजर कहता है ये वॉच नकली है। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है। फिर क्या था, वो जल्दी से अंदर भागकर जाता है और जाते ही लिन पर चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली वॉच देने की। और फिर यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि वो सभी से झूठ बोल रही थी। सुयुन तो तब शॉक हो जाता है जब उसको पता चलता है कि जी ही डोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है, बिकॉज उसने उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट की थी।
बात तो वो लिन पर चिल्लाने लगता है। सुवान भी लिन को पकड़ लेती है और उसके बाल पकड़कर उसका फेस टेबल पर रख देती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था नी कि तुम घुटनों पर बैठकर मेरे सामने भीख मांगोगी। तभी यहाँ पर सू यून उसको एक चाकू देकर कहता है, आप इसको सजा दे सकती है। पर तभी वही उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन सुवान आकर उसे बचा लेता है, जिस पर सू यून को गुस्सा आता है और वो सुवान के ऊपर चिल्लाता है। पर तभी जी उसकी उंगली मोड़ देती है। इस पर वो कहता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे तो खुद धोखा मिला है। इसके बाद जी लिन से कहती है, तुमने जो नेकलेस तोड़ा है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दूंगी वापस लौटाने के लिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाना। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहां पर जी सुवान की चोट पर दवाई लगाती है और फिर वो उससे कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मुझे इम्प्रेस करने के बारे में मत सोचना, मैं शादीशुदा हूं। जिस पर सुवान भी सामने से कहता है, मैं भी पहले से ही शादीशुदा हूं, एंड वो वहां से उतर के चली जाती है। इसके बाद सुवान अपने मैनेजर से कहता है, मुझे फू ग्रुप की डॉटर से मिलना है, उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। अगले दिन हम सुवान को रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि रोड पर होती है और अचानक से एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये कार किसी और की नहीं बल्कि लिन की होती है और वो कार से बाहर आकर इसके साथ झगड़ा करने लगती है। वो इसके साथ हाथापाई करने लगती है कि इसी बीच जी जल्दी से सुवान के पास कॉल कर देती है और बताती है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर तभी एक आदमी आ जाता है जो कि लिन को सपोर्ट करता है और वो जी को मारने वाला था कि तभी यहाँ पर सुवान आता है, जिसके बाद वो आदमी घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। ये आदमी लिन को भी एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम सच में एक पागल औरत हो, मैं तुम्हें जॉब से फायर कर रहा हूँ। इस पर वो कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों शादी करेंगे। जिस पर वो कहता है, बकवास बंद करो, और वहाँ से भाग जाता है। जी और सुवान भी वहाँ से चले जाते हैं एंड लिन वहीं पर पड़ी हुई रह जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर जी सुवान से कहती है, मिस्टर फेंग आपसे अचानक से इतना ज्यादा कैसे डर गए। जिस पर वो कहता है, वो मुझसे नहीं डरता बल्कि अपनी वाइफ से डरता है, वो मेरी क्लाइंट है ना। इसके बाद हम जी को उसकी कंपनी में देखते हैं। तभी यहाँ पर सू यून आ जाता है और वो उसके लिए कॉफी लेकर आया था। वो उसे कॉफी पीने को कहता है पर वो कहती है, मैं अजनबियों के हाथ से कुछ भी नहीं पीती, क्या पता इसमें तुमने कुछ जहर मिलाया हो। जिस पर वो कहता है, मैं ऐसा कैसे करूंगा, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, दादाजी भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारे लिए ही फायदा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा हूँ और तुम्हारे लायक भी हूँ। जिस पर वो उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है और दफा हो जाने को कहती है। इस पर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिसके बाद हमारी हीरोइन पकड़ के उसका हाथ मोड़ देती है, साथ ही वो जमीन पर उसका हाथ रख के उसमें पैन गाड़ देती है, जिससे ये बंदा बेहोश हो जाता है। यहाँ पर सुवान भी आ जाता है, मैनेजर उसे खींच कर ले जाता है। सुवान उसके पास आता है तो वो कहती है, मुझे वॉशरूम क्लीन करने जाना है, और जाने लगती है। पर सुवान उसे रोक कर कहता है, ये चीज तुम मुझसे कब तक छिपाती रहोगी। जिस पर वो कहती है, मुझे माफ करना, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। अगले सीन में हम सुवान के सामने लिन को बैठे हुए देखते हैं, जो कि कहती है, मैं आपके भाई से शादी करना चाहती हूँ, मुझे इसमें मदद चाहिए, साथ ही मैं एक आदमी को मरवाना चाहती हूँ। और वो सुवान के सामने उसी की फोटो रख के कहती है, मेरी बहन आपको शादी के बीच में से छोड़कर चली गई थी इसी आदमी की वजह से। जिस पर सुवान अपने फेस से मास्क हटाता है और कहता है, तो तुम मुझे मारना चाहती हो। ये देखकर तो वो शॉक हो जाती है। सुवान उसके सामने एक चाकू रखता है और कहता है, तो फिर चलो मुझे मारो। सुवान को देखकर तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहती है, तो तुम तो उसी के पति हो और तुम्हारे पांव भी एकदम ठीक है, तुम सभी को बुद्धू बना रहे हो, मैं तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगी। पर तभी यहाँ पर वो अपने गार्ड को बुलाता है, मैनेजर उसके मुंह पर कॉफी फेंकता है। सुवान कहता है, अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, एंड वो वहां से चला जाता है। वो उसकी फोटो खींचने वाली होती है कि तभी कोई उसको पीछे से बेहोश कर देता है। वो रात को अपने घर पर आती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो बढ़िया वाली पिट कर आई थी और वो अपने मॉम डैड के सामने चिल्लाना शुरू कर देती है, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन हम लिन को 3 लड़कों के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहती है, अभी यहाँ पर मेरी बहन आएगी, उसके साथ जो करना है कर लेना। तभी यहाँ पर जी आती है और वो यहाँ से
चली जाती है। के बाद हम उसे रूम के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो किसी को कॉल करके कहती है, मेरे पास एक लड़की है, उसके बदले में मुझे 50 मिलियन चाहिए। वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। ये सभी रूम के अंदर आते हैं तो जी ने उन सभी की बढ़िया वाली बैंड बजा रखी थी और वो लोग पिट कर बैठे हुए थे। में से एक आदमी तो लिन से कहता है, एक बार मुझे उठ जाने दे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। जिस आदमी को लिन ने बुलाया था वो आदमी जैसे ही जी को देखता है तो लिन से कहता है, क्या तुम पागल हो गई। उल्टा वो उसी को पकड़ लेता है। जी यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर सुवान आता है। वो सुवान से माफी मांगना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर लिन के मॉम डैड भी आ जाते हैं। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही मैनेजर लिन के डैड को एक पंच मारता है और उसकी मॉम को एक थप्पड़, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम सुयुन को देखते हैं जो कि सुवान के दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। साथ ही वो अपने गार्ड्स को भी लेकर आया था बिकॉज उसको लिन ने बता दिया था कि वो चल सकता है। पर तभी दरवाजा हमारी हीरोइन खोलती है जिस पर वो शॉक हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है, मेरे बेवकूफ गधे आदमी ठीक से सुवान के घर का पता भी नहीं लगा सके। के बाद वो दरवाजे से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं जाने के लिए कि तभी उनको सुवान की आवाज आती है जिस पर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम इन दोनों के एक साथ देखते हैं कि तभी जी के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है उनके शेयर के प्राइस गिर गए और ये किसी और ने नहीं बल्कि फू ग्रुप के बड़े बेटे ने किया है। ये सुनकर तो सुवान भी शॉक हो जाता है बिकॉज उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था और वो गुस्से में वहाँ से जाती है। मैनेजर सुवान को बताता है, आपके छोटे भाई ने ये सब कुछ किया है, वो भी आपका नाम यूज करके। जिसके बाद वो अपने दादाजी के घर जाता है जहाँ पर सुयुन पहले से मौजूद था और वो उसके जाते ही एक बेसबॉल बैट उठाता है और अपने दादाजी से कहता है, इसके पैर खराब नहीं है, मैं अभी आपके सामने साबित करता हूँ। वो उसको मारने वाला होता है कि दादाजी उसको रोक देते हैं बिकॉज वो देखते हैं कि सुवान के पास एक जेडा पेंडेंट है और वो कहते हैं, तुम्हारे पास ये पेंडेंट कैसे आया, ये मुझे लौटा दो। और वो अपने मन में सोचते हैं, इस पेंडेंट के लिए तो मैंने मिस्टर जी को मार डाला था, ये इसके पास कैसे आया, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इकलौता है। जिस पर वो कहता है, ये पेंडेंट मेरा है। इस पर उसका भाई कहता है, बकवास बंद करो। पर तभी यहाँ पर वो अपने आदमियों को बुलाता है और वो आते ही उसे किक मारते हैं। जिसके बाद इन दादा और पोते को पता चलता है कि हमारा हीरो फीयू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जिसके बाद तो इन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी वो पेंडेंट निकालता है और कहता है, ये पेंडेंट मुझे एक मरते हुए बूढ़े आदमी ने दिया था और ये बूढ़ा आदमी वही था जिसकी हत्या की गई थी। और वो ये सब अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है। इसके बाद वो अपने भाई को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी और जी के बीच कोई भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड वो मैनेजर के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम जी को देखते हैं जो कि फू ग्रुप के घर में आती है और वो जल्दी से आकर सुवान के रूम में छिप जाती है और जैसे ही वो आता है वो उसके ऊपर चाकू से हमला करती है। वो उसको पकड़ लेता है लेकिन ये उल्टा उसको पकड़ लेती है और उससे ज्यादा पेंडेंट मांगती है क्योंकि वो पेंडेंट असल में इसी के दादाजी का होता है। एंड ये उससे पेंडेंट भी छीन लेती है। ये वहाँ से जाने लगती है पर वो रोककर कहता है, तुम मेरी फियांसे हो। जिस पर सामने से जी कहती है, लेकिन मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। और वो वहाँ से आ जाती है। पार्किंग में उसको उसकी बहन मिलती है जो कि माफी मांगने लगती है और माफी मांगने के बहाने वो उसे कार में धक्का दे देती है एंड उसका किडनैप कर लेती है। कार में जी उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ सारा हिसाब किताब पूरा करूंगी। जिस तरह से तुमने मेरे डैड को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर वो उसका सर जोर से कार में मारती है जिससे वो बेचारी बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उससे ज्यादा पेंडेंट भी छीन लेती है एंड वो कार में आग लगाने वाली होती है कि तभी यहाँ पर सुवान आ जाता है और उसको बचा लेता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जी को होश आता है तो उसके सामने सुवान होता है पर उसने मास्क लगाया हुआ था और उसके हिसाब से तो ये मिस्टर फू होते हैं। वो उनसे अपना फोन मांगती है और जल्दी से सुवान को कॉल करती है और तभी यहाँ पर उसका फोन रिंग होता है। इसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन और उसके पेरेंट्स मौजूद होते हैं। तभी यहाँ पर सुयुन आता है अपने दादाजी के साथ और वो पेंडेंट मांगता है लेकिन पेंडेंट के बदले में वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। तभी यहाँ पर जी भी आ जाती है और कहती है, तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे दादाजी को मारा है, तुम सब हत्यारे हो।
और यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है और वो सबके सामने अपना मास्क हटाता है और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। यहाँ पर लिन की माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, जी जिस फैमिली के लिए तुम लड़ रही हो असल में वो फैमिली तुम्हारी है ही नहीं, बल्कि तुम तो अपने डैड को रोड पर से मिली थी। के बाद हम हमारे हीरो हीरोइन को कार में देखते हैं, जहाँ पर जी बहुत ही ज्यादा उदास थी क्योंकि वो अपने इन पेरेंट्स की भी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी और उसके असली पेरेंट्स के बारे में कुछ अता पता भी नहीं था। अगले दिन ये दोनों लिन को पकड़ लेते हैं और उससे पेंडेंट मांगते हैं, लेकिन वो पेंडेंट देने को तैयार नहीं होती। अभी यहाँ पर एक वांजी नाम का बिजनेस टाइकून आता है और वो आते ही लिन से कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बिकॉज उसके पास पेंडेंट होता है। वो उसको कहता है, कई साल पहले तुम खो गई थी, फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। जिस पर जी और सुवान उसे समझाने की कोशिश करते हैं असल में वो उसकी बहन नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ आती है और वो DNA रिपोर्ट दिखाती है जिसमें साफ नजर आ रहा था कि जी उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है और इनका DNA उनसे मैच नहीं करता, जिसके बाद वो उसे अपनी बहन समझ लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम हमारे हीरो को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ होता है। इसी क्लब में लिन भी मौजूद होती है। वो एक वाइन में कुछ मिलाकर एक वेटर को दे देती है। वो वेटर जाकर चुपचाप उसको सुवान के पास रख देता है। सुवान जब उसको पीता है तो उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। इस नशे का फायदा उठाकर लिन उसके पास आती है और उसके साथ अपनी फोटोज क्लिक कर लेती है। पर तभी उसको रियलाइज होता है कि जो लड़की उसके सामने है वो उसकी वाइफ नहीं है और वो उसको खुद से दूर करता है। और तभी यहाँ पर जी भी आ जाती है। ये देखकर जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से आ जाती है। हमारा हीरो भी उसके पीछे भागते हुए आता है और माफी मांगकर कहता है, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंड वो उसको माफ भी कर देती है। इसके बाद हम वांजी को देखते हैं जिसके पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, उसकी बहन को खून की जरूरत थी। वो डॉक्टर से कहता है, आप मेरा खून ले सकते हैं, हम दोनों सगे बहन भाई हैं। जिस पर वो बताती है, आपका ब्लड उसके साथ मैच नहीं करता, आप सगे बहन भाई नहीं हैं। ये जानकर तो उसे काफी गहरा धक्का लगता है और वो समझ जाता है कि उस लड़की ने झूठ बोला है और वो अपने मैनेजर को कॉल करके पता करने को कहता है कि उसकी असली बहन कौन है। तभी यहाँ पर जी भी आ जाती है और तभी मैनेजर आकर बताता है, दरअसल यही आपकी सगी बहन है। जिस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और वो उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। इसके बाद हम जी और सुवान को एक साथ देखते हैं। तभी उसके पास कॉल आती है कि उसकी मॉम बहुत बीमार है। वो घर पर जाती है तो उसकी बहन कहती है, उसकी मॉम मरने वाली है। वो रूम के अंदर जाती है तो वो चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है, पर बीच में वांजी आ जाता है और उसको चाकू लग जाता है, जिसके बाद वांजी को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उसको उसकी बहन मिल गई थी। इसके बाद हम लास्ट में हमारे हीरो हीरोइन की वेडिंग देखते हैं, जहाँ पर वांजी बहुत ही ज्यादा अपसेट था और वो अपनी बहन से कहता है, तुम अभी अभी तो मुझे मिली हो और अब शादी करके जा भी रही हो। जिस पर वो कहती है, शादी तो मेरी पहले ही हो चुकी है। इसके बाद वो अपनी बहन को वही ज्यादा पेंडेंट देता है और सबके सामने अनाउंस कर देता है कि वही उसकी सगी बहन है। जिसके बाद सुवान घुटनों पर बैठकर उसे रिंग पहनाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।